नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जहां पे कोरोना के संकट काल में कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की रिक्रूटमेंट ली जा रही है। दोस्तों, जो वैकेंसीज के पोस्ट हैं वो जूनियर स्टाफ नर्स के हैं, लैब असिस्टेंट के हैं, एंथेसिस टेक्नीशियन के हैं, फार्मासिस्ट की है और ओटी टेक्नीशियन की है। तो इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए जो छात्र यहाँ पे योग्य हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता तो यहाँ रखी गई है कि आपका जम्मू कश्मीर का होना जरूरी है, यानी कि आपके पास यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब अंत तक देखिएगा वही छात्र जो कि इसके लिए एलिजिबल है, वरना आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, आप उनको ये शेयर जरूर करेंगे, आशा करते हैं, क्योंकि अपने देश की सेवा में वो लग सके, ऐसी हम कामना भी करते हैं। दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक स्टेट से या हर एक वैकेंसीज के बारे में अपडेट हम आपको पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हम लिए चलते हैं आपको इन सब की अपडेट पे, और ये अपडेट जारी की गई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू की तरफ से एडवर्टाइजमेंट संख्या है 4/2021 का, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबल होंगे वो आवेदन जरूर करेंगे, क्योंकि ये आप सभी को बता दें कि जो एप्लीकेशन है ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के डिवीजन के लिए, और आपको बता दें कि ये इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेजेस हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा और 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। इसकी जो है जो लेंथ है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 6 मंथ की जा सकती है टाइमिंग इसकी, अगर आप यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं रही तो। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जूनियर स्टाफ में करीब 100 पदों की वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। अगर ये नहीं है आपके पास तो मैट्रिक और डिप्लोमा कर रखे जूनियर स्टाफ के लिए नर्स ट्रेनिंग फ्रॉम द एसएमएफ और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू कैन अप्लाई। एज क्राइटेरिया 45 साल का रखा गया है। सैलरी यहां पे दोस्तों दी गई है 14,500 तक की। तो ये एक बड़ा अपडेट है यहां से इसके लिए, इस नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, दूसरे पदों की बात कर ले यहां पे, तो लैब असिस्टेंट की बात की गई है, जहां पे 30 पदों की वैकेंसी है। अगर आपने मैट्रिक के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है और लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, और जो कि आपका एसएमएफ से और या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है, एज क्राइटेरिया यहाँ भी 45 साल का रखा गया है। दोस्तों, सैलरी की बात कर ले तो यहाँ भी 12,000 की सैलरी आपको मेंशन की गई है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, तीसरा पोस्ट है यहाँ पे जी हाँ, एंथेसिया टेक्नीशियन को लेकर, जहाँ पे 30 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे इंटर पास होना जरूरी है, वो भी साइंस में, और क्वालिफिकेशन आपका जो है डिग्री होना चाहिए एंथेसिया के, और डिप्लोमा एंथेसिया आपने किया होगा तो आप आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों, ये ध्यान जरूर रखेंगे। इसके लिए भी सैलरी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है 12,000 रुपये तक की, तो इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे 12,000 रुपये सैलरी उनको मिलेगी। दोस्तों, चौथा पोस्ट है यहाँ पे फार्मासिस्ट की, जो कि यहाँ पे 30 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। 10वीं और पास छात्र आवेदन कर सकता है, लेकिन साथ में उनका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और ट्रेनिंग कोर्सेज उनका कंप्लीट होना चाहिए एसएमएफ के द्वारा और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे अगर उन्होंने इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना कोर्स कर रखा है, देन ही कैन अप्लाई और सी कैन अप्लाई। 45 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ भी है और सैलरी 12,000 की यहाँ भी मेंशन की गई है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पोस्ट है यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का, जहाँ पे 30 पदों की टोटल वैकेंसी है। मैट्रिक पास है तो साथ ही में डिप्लोमा वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। मैट्रिक होने के बाद डिप्लोमा होना जरूरी है आपका, या थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग को लेकर यहाँ पे अपडेट होना चाहिए डिप्लोमा में, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए भी जो सैलरी मेंशन की गई है यहाँ पे 12,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा और कितने पदों की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों की कौन कहाँ से इसको आवेदन कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी भेजनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, ताकि वहां से आपका शॉर्टलिस्ट करके आपको यहाँ पे बुलाया जा सके। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है जम्मू कश्मीर के लिए है, तो जम्मू कश्मीर वाले ही छात्र यहाँ पे इसको आवेदन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारी डिटेल जो है मैं आपको दे चुका हूँ,
टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसमें साफ साफ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो भी छात्र यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट है, वो डोमिसाइल होना चाहिए उनका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 15 मई से पहले आप इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा, और आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट के जरिए या पर्सनली जाकर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फाउंड किया जा सकता है इन द मैनर ऑफ या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। ये सारे सर्टिफिकेट हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि मेंशन किए गए हैं लिस्ट नंबर 4 में, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इसेंशियली देने होंगे या ताकि आप इसके लिए जब आवेदन करने जाएंगे तो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। दोस्तों यहाँ पे ये सारी डिटेल आप यहाँ से मैंने आपको शेयर किए हैं, आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी से संबंधित हैं और ये इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों मैंने लिंक जो है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लिंक के जरिए जाके, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल मेंशन किए हैं जो कि इसके जरिए बताए गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जो भी छात्र है बिहार दरोगा बीपीएससी या फिर बिहार फायरमैन यानी कि बिहार कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो उस एप्लीकेशन के जरिए आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एप्लीकेशन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और वहाँ पे भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जो भी छात्र बिहार से जुड़े हुए हैं। चैनल पे आप जो लोग नए हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो पुराने हैं बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहें। आप सभी को बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे इस वीडियो के लिंक के साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपको साझा कर दिया जाएगा ताकि जो सारी डिटेल है आप एक बार खुद से भी पढ़ के इसको अच्छे से देख सकें, और अगर योग्य हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए तो आवेदन भी ज़रूर कर सकें। दोस्तों ये सारी डिटेल हमने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और इस कोरोना के संकट काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल भी जरूर रखें। धन्यवाद।